हम चाहते हैं कि अपनी व्यवस्था सही रहे और सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। हमारा बजट बढ़ जाता है तो हमारी रसोई के सारे सामान में काफी परेशानी हो जाती है। बजट में व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और बेरोजगार सभी को उम्मीद है कि यह बजट में बहुत राहत मिलेगी। हमेशा बजट आता है या तो गरीबों के लिए आता है या अमीरों के लिए, हम मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ को बड़ी उम्मीदें हैं और निश्चित तौर पर सीएम साहब जो भी बजट लाएंगे वो तो निचले स्तर को सोच के लाएंगे। राज्य सरकार का जो बजट आ रहा है इस बार उम्मीदें तो सबको ज़्यादा है क्योंकि चुनावी वर्ष है और वैसे देखा जाए तो राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ते जा रहा है और आर्थिक चुनौतियाँ भी ज़्यादा है, इसलिए बजट में व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और बेरोजगार सभी को उम्मीद है कि यह बजट में बहुत राहत मिलेगी क्योंकि जो भी घोषणा हो रही है अभी उसको धरातल में नहीं आई है। जैसे बेरोजगारी भत्ता का घोषणा हुआ तो अब यह बेरोजगारी भत्ता भी चालू हो जाए और जो टाइगर रिजर्व फोर्स की घोषणा हुई थी जो जिससे नक्सली लोग आज भी आक्रमण करके लोगों को मार रहे हैं तो उसमें भी कुछ राहत की उम्मीद है, इससे लगता है कि बजट बहुत बढ़िया रहेगा। राज्य सरकार के बजट की तो काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि आज वर्तमान में जो हम जिस परिवेश में चल रहे हैं इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और राज्य सरकार से हमें छूट की, एक्साइज ड्यूटी की छूट और संपत्ति की छूट और ये अनेकों प्रकार की जो आम उपभोक्ताओं को सुविधा मिलनी चाहिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारे विचार को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करें और सारे छत्तीसगढ़वासी खुशमय रहें, समृद्धशाली बने और मजबूत रहे। अब की बार 2023 में बजट की हम उम्मीद कर रहे हैं, हमेशा बजट आता है या तो गरीबों के लिए आता है या अमीरों के लिए, हम मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, हम अब की बार बहुत उम्मीद करके बैठे हैं हमारे सीएम साहब के लिए से कि जो बजट आए वो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ हो उसमें। 2023 का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी पेश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से हमारी ये उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए राहत दें। सबसे ज़्यादा मार पड़ती है मध्यम वर्ग परिवार के ऊपर, गरीबों को फ्री में चावल मिल जाता है, अमीरों के पास पैसा ज़्यादा है। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो मध्यम परिवार के लिए कुछ राहत के पैकेज घोषित करें। छत्तीसगढ़ को बड़ी उम्मीदें हैं और निश्चित तौर पर सीएम साहब जो भी बजट लाएंगे वो तो निचले स्तर को सोच के लाएंगे। जिस तरह से नरवा घरवा गुरुआ बाड़ी जैसी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम वर्गों के लिए, ये बड़ा विश्वास हम सबको है, छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को है इस प्रदेश में कि जो भी बजट आएगा आम जनता के हित में आएगा। आप लोग अभी जानते हैं कि जो महंगाई का दौर है और अभी अपने को चाहिए कि जैसे किचन के बहुत सारे आइटम होते हैं कि जो बहुत महंगे हो रहे हैं उनको अपन को बजट में ही करना है, तो हम चाहते हैं कि अपनी व्यवस्था सही रहे और सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। हम जो गृहिणियाँ हैं जो घर संभालती हैं तो उनका दिनों दिन जो सामान है जो उसकी वृद्धि होती जा रही है, तो अब आज गैस सिलेंडर को ले लीजिए, गैस का जैसे हमारी तो जो है वो संयुक्त परिवार है हमारा, उससे हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है कि हमारे जो घर के मेंबर्स हैं उनका जो बजट है वो एक लिमिटेशन में है और अगर हमारा बजट बढ़ जाता है तो हमारी रसोई के सारे सामान में काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं ये चाहूँगी कि बजट जो पास हो वो हमारे गृहणियों को ध्यान में रखते हुए लिया जाए।